एक आदमी एक धनराशि को एक निश्चित दर की साधारण ब्याज पर निवेश करता है और आठ वर्ष के बाद वह साठ परसेंट अधिक धनराशि प्राप्त करता है देखिए एक धनराशि है जो शुरू वाला अमाउंट कहते हैं जिसको हम प्रिंसिपल मूल धन कहते हैं किसी रेट पे साधारण ब्याज पर निवेश करता है यानी जमा करता है आठ साल के बाद वही धनराशि जो है साठ परसेंट अधिक प्राप्त करता है यानी मिस्र वन हो जाएगा वो ठीक है मिश्र धन हो जाएगा जिसको हम अमाउंट कहते हैं बनाते हैं तब समझ में आएगा शुरू वाला अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल होता है ठीक है प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है सिर्फ बोल रहा है कि धनराशि एक निश्चित दर के साधारण ब्याज पर निवेश करता है यानी प्रिंसिपल को एक्स मान लेते हैं आठ साल के बाद वह धनराशि साठ परसेंट अधिक प्राप्त करता है यानी आपका जो मिश्र धन हो जाएगा यानी अमाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एक सौ साठ बटा सौ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है टाइम दिया हुआ है कितना आठ साल दिया है अब देखिए एस si आई पहले निकालना होगा एस आई इच्वल टू क्या होता है एस आई इक्वल टू थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा कोई दिक्कत नहीं एस आई टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा हंड्रेड होता है ठीक है हमसे रेट पूछ रहा है एक निश्चित दर यहाँ दिया हुआ है ना एक निश्चित दर रेट पूछ रहा है ये वाला पूछ रहा है तो पहले हमको एस si आई निकालना होगा एस आई इच्कल टू क्या होता है एस आई इच्क टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है या आपसे एक फॉर्मूला होता है पी सी आई अमाउंट इजक्ल टू पी सी आई तो यहाँ एस SI आई पूछा तो एस आई इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है यानी एक सौ साठ एक्स बटा सो, एक सो माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा साठ बटा क्या आएगा साठ बटा हंड्रेड एक्स आ जाएगा ठीक है एस आई आपका कितना आएगा साठ बटा हंड्रेड एक्स आ जाएगा ठीक है अब ये जो नीचे हंड्रेड है इक्वल टू के बाहर ले जाइए तो इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा हमसे क्या पूछा रेट पूछा है तो रेट को इसको टू के बाहर रखिए इस साइड ही रखिए और जो प्रिंसिपल और टाइम है इसके नीचे आ जाएगा ठीक है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल एक्स है और टाइम कितना है आठ साल है ये एक्स एक्स कट जाएगा सौ सौ कट जाएगा यानी साठ बटा आठ है ये भी कटेगा देखते हैं चार दूनी आठ चार एकम एक चार चार पच बीस यानी जो आपका रेट निकल के आया रेट कितना निकल के आया पंद्रह बटा दो निकल के आया ठीक है अब आराम से बनेगा रेट आपका पंद्रह बटन दू निकल के आया आगे कहता है यदि वह नौ हज़ार छः सौ रुपया को साधारण ब्याज की समान ब्याज दर पर निवेश करता है ठीक है निवेश करता है मतलब जमा करता है यानी शुरू वाला धन दे दिया यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दे दिया नौ हजार छः सौ रुपया ठीक है तो चार वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज क्या होगा तो सिंपल है वही फॉर्मूला पर बैठाएंगे ठीक है एस आई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी होता है पी कितना दिया है? प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया है 9600 हज़ार छः रुपया दिया है रेट कितना दिया है भाई 15 बटा दो दिया है इंटू सौ हो जाएगा नीचे परसेंटेज में रहता है ना रेट तो 100 हो जाएगा इंटू टाइम कितना दिया है देखिए टाइम चार वर्ष के बाद बोला है तो गुना चार कर दीजिए बस आपका आंसर तो आ ही गया देखिए जीरो जीरो कट जाएगा और दो दूनी चार ठीक है यानी कितना हो जाएगा पंद्रह और छियानबे कितना दो हजार आठ सौ अस्सी रुपया आपका पहला वाला करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट कहता है चार वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी का आयु का अनुपात तीन फोर है रेशियो में है अनुपात मतलब रेशियो होता है चार वर्ष पहले बोला है ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का औसत अब एवरेज डाल दिया है ठीक है ए प्लस बी सी का वर्तमान आयु औसत कितना है छब्बीस वर्ष है तो सी बी से ग्यारह वर्ष छोटा है सी जो है बी से ग्यारह वर्ष छोटा है तो बी का वर्तमान आयु क्या होगा बनाते हैं देखिए पहले तो बोला था अब वर्तमान में आ गया है ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है चार वर्ष पहले बोला था अब वर्तमान आपसे पूछ रहा है तो क्या कर देंगे पहले में माइनस होता है वर्तमान में क्या होता है प्लस होता है ठीक है बाद वाला प्लस होता है तो क्या कर देंगे थ्री एक्स प्लस फोर ये हो गया आपका ए का और एक्स के न रहे और बी का आपका क्या हो जाएगा बी का आपका क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस फोर हो जाएगा, जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है आगे कहता है एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी सी इज ट्वेंटी सिक्स ईयर एवरेज बोला है औसत बोला है ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान एज का औसत कितना है छब्बीस है ठीक है नीचे क्या होता है तीन होता है एवरेज में यही होता तो ना तो ये तीन टू के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा यानी कितना निकल, निकल के आएगा का छह छिया अठारह का आठ और छः का छह बारह और एक तेरह एक सौ अड़तीस होगा छः का छह छिया अठारह का आठ तो और तीन कर छोरी छः का अठारह का आठ तीन छः एक साथ यानी सेवेंटी एट हो जाएगा ठीक है ए बी सी का जो एज होगा वो सेवेंटी एट ईयर्स का हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए आगे क्या कहता है कहता है सी जो है सी जो है बी से ग्यारह वर्ष छोटा है बी का कितना था फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर था ठीक है सी ग्यारह वर्ष छोटा है बी से सी ग्यारह वर्ष छोटा है से ठीक है तो देखिए कैसे निकालते सी इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर दिया था इससे छोटा है बी से तो माइनस सेवन कर देंगे यानी सी का कितना निकल के आएगा फोर एक्स माइनस कितना निकल के आएगा ग्यारह वर्ष बोला था ना यार ग्यारह वर्ष बोला था तो ग्यारह से चार जाएगा तो क्या होगा सात निकल के आएगा यानी ये सी का एज है फोर एक्स माइनस सेवन ये बी का एज है और ए का एज कितना है थ्री एक्स प्लस फोर है बस आपका आंसर अब निकल के आने ही वाला है देखते जाइए ए बी सी प्लस का टोटल एज सेवेंटी एट था तो जोड़िए ए का थ्री एक्स प्लस फोर था बी का फोर एक्स प्लस फोर था और सी का फोर एक्स माइनस सेवन था तो थ्री एक्स एक्स फोर कितना हो गया? चार तीन, सात, सात आठ नौ दस ग्यारह इधर हो गया ग्यारह एक्स ग्यारह एक्स और इधर देखते हैं चार चार आठ आठ माइनस सात कितना होता है चार चार आठ माइनस सात कितना होगा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है प्लस ना चार चार हाँ प्लस हो जाएगा प्लस एक इक्वल टू सेवेंटी एट दिया था ठीक है यानी एक जो है इक्वल टू के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो सेवनटी एट से एक जाएगा तो क्या होगा सेवनटी सेवन हो जाएगा यानी एक का वैल्यू आपका कितना निकल गया इधर इलेवन एक्स बच गया था ना तो एक्स इक्वल टू क्या होगा सतर बटा इलेवेन हो जाएगा ठीक है सतहत्तर बटा इलेवेन हो जाएगा तो ग्यारह सत्ते सतहत्तर यानी आपका सात करेक्ट आंसर निकल के आ गया एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू सात निकल के आ गया अब आपसे जो पूछे ए का पूछे बी का पूछे सी का पूछे पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा हमसे क्या पूछा कि b का वर्तमान एज कितना है तो b का कितना था फोर एक्स प्लस सात था तो सात को वहां गुना कीजिए x के वैल्यू पर x के वैल्यू पर डालिए उसको तो सचारे अट्ठाइस प्लस चार कितना हो जाएगा 28 प्लस चार कितना होता है बत्तीस साल यानी ये वाला करेक्ट आंसर है